Our chief guest, Honorable Governor of Tripura, Director NIT Agartala, H.K. Sharma ji, Ajay Kumar Das ji, Govind Bhargav ji, Registrar NIT Agartala, NIT Agartala के 12वें दीक्षांत समारोह में स्नातक उपाधि अर्जित कर रहे सभी छात्र छात्राओं को मैं बधाई देता हूं। ग्रेजुएट होने के पश्चात दीक्षांत समारोह में अपनी पढ़ाई की डिग्री प्राप्त करना छात्रों के लिए व माता पिता के लिए परिजनों के लिए एक अविस्मरणीय क्षण होता है और जीवन का एक नया सफर शुरू होता है। विभिन्न प्रतिभाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रोफेशनल स्किल्स व रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव करते हैं और देश व विदेश में जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। हमारे हर कार्य और जिम्मेदारी के निर्वाह में हमारी शिक्षा की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे ही कुछ सपने सभी छात्रों उनके परिजनों के भी होंगे कि हमारे पुत्र या पुत्री स्नातक होने के पश्चात इस फील्ड में जाए या उस फील्ड में जाए, एक अच्छा पैकेज पाए और एक सफल व सुखमय जीवन व्यतीत करे। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आप सब जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर एक नया जिम्मेदारी भरा जीवन शुरू करने के लिए निकल रहे हैं, तब आप सब यह भी याद रखें कि आपकी कुल जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी है, अपने अगरतला के प्रति भी है। जैसे आपको माता पिता आपके परिजनों ने पाला है और आप सब उनके ऋणी हैं, उसी प्रकार से आप देश के भी ऋणी हैं। देश का युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा देश एक शक्तिशाली नौजवान देश है, क्योंकि हमारे देश में आप जैसे युवा हैं। प्राचीन काल से ही समाज के विकास के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा व शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज देश की प्रगति संभव नहीं है। हमारा देश एक युवा देश है और शिक्षा के माध्यम से दुनिया के कई देशों में हमारे युवाओं ने भारत का नाम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक विरासत भी मिश्रण आज जरूरत होने के साथ साथ युवा पीढ़ी के लिए बहुत फूल उपहार है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की पारंपरिक व सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए वरदान साबित होगा। शिक्षा के इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास व सुदीर्घ भविष्य से प्रेरणा लेते हुए आपको अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देना है। हमें याद आधुनिक से आधुनिक जीवन शैली कार्य शैली को अपनाते हुए अपने देश की अमूल्य संस्कृति व परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपका हर कदम देश को मजबूत बनाएगा और युवाओं के सपनों से ही देश के सुंदर भविष्य का निर्माण व विकास होता है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने ऐसे होने चाहिए जो हमें सोने न दें। हमेशा आपके मन में देश की जिम्मेदारी का भाव होना ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने एक ऐसे शिक्षक के मंदिर से शिक्षा प्राप्त की है, जो आरंभ से ही अपने अमूल्य समर्पित शिक्षकों और कर्मठ कर्मचारियों और त्रुटिहीन शैक्षणिक विरासत के गौरवशाली 50 वर्ष राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की
उपेक्षाओं के आधार पर शैक्षणिक प्रसार के लिए एक अनुकरणीय संस्थान और उत्कृष्टता के अनुसंधान के रूप में विकसित हुआ है। मुझे कोई संशय नहीं है कि प्रोफेसर एच के शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ख्याति ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक कुशलता और ख्याति के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। Mr.